आज मुद्दा मध्य प्रदेश के उन हजारों बेरोजगार युवाओं का है जिन्हें नई सरकार बनने के एक महीने बाद उन भर्ती परीक्षाओं का इंतजार अब भी है जो कई महीनों से लटके हैं। 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान हुआ, 17 नवंबर को मतदान हुआ, 3 दिसंबर को नतीजे आ गए, 13 दिसंबर को मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए, 25 दिसंबर को 28 मंत्रियों की शपथ हो गई, 30 दिसंबर को मंत्रियों का विभाग भी बट गया, 82 दिन में ऐलान, मतदान, नतीजे और विभाग बंटवारा हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NBC भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। मध्य प्रदेश ही नहीं, सभी राज्यों के चुनाव की तारीख के ऐलान से लेकर शपथ ग्रहण समारोह, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा बिल्कुल तय समय पर तो हो जाता है, पर उन्हीं राज्यों में अगर युवाओं के रोजगार की बात की जाए तो स्थितियां कमोवेश इनके उलट ही सभी राज्यों में एक जैसी हैं। मध्य प्रदेश में 21,000 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें अपनी नौकरी का सपना सजोए हुए बेरोजगार 7 महीने यानी कम से कम 210 दिन से भर्ती का इंतजार, नतीजा निकलने के लिए कर रहे हैं। भर्ती परिणामों का इंतजार करते बेरोजगार टूटने लगे हैं, आंखों के किनारे को तोड़कर बहने को बेताब, आंसुओं को रोकना कठिन हो चला है। हजारों बेरोजगारों के लिए सरकार को अब नतीजों के पन्ने पलटने होंगे। मध्य प्रदेश में दावा है 8 भर्तियां ऐसी हैं जिनके नतीजे निकलने का इंतजार हो रहा है। पटवारी के 6,806 पद जिसमें रिजल्ट निकला था, धांधली के बाद भर्ती लटक गई। जेल प्रहरी के 200 पद, पुलिस कांस्टेबल के 7,090, वन रक्षक के 1,772 पद, संविदा वर्ग 1 के 8,720 पद, ग्रुप 5 के 4,852 पद, ग्रुप 1 और 2 के 1,978 पद, उप जेल अधीक्षक के 33 पद, ग्रुप 4 के 3,047 पद, ऐसे 21,000 पदों की भर्तियां लटकी हुई हैं। जैसे चुनाव आयोग तारीख तय कर देता है और फिर नामांकन से लेकर नतीजों तक सब कुछ तय समय पर पूरा होने के साथ ही नई सरकार का गठन हो जाता है। काश ऐसा ही बेरोजगारों को नौकरी में चुने जाने को लेकर भी होता तो तय समय पर परीक्षा आती और फिर नियत समय पर परिणाम जारी होने के साथ ही सरकारी नौकरी लग जाती, पर ऐसा होता नहीं है और इसीलिए हमने यह आवाज उठाई है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी आपको भी, और आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी पूरी सरकार से भी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी पूरी सरकार इस रिपोर्ट को ध्यान से देखेगी और अटके हुए, लटके हुए नतीजों को जल्द जारी कर भटकती बेरोजगारों को राहत देगी। आप इस बेहद गंभीर मुद्दे पर अपनी निर्भीक आवाज बुलंद करना ना भूलें। नमस्कार।